बादम बामुलाहिजा होशियार, शेरों की तरह चलने वाले, चीतों की तरह दौड़ने वाले, बादशाहों के बादशाह, जहां पना के जहां पना, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर जलवा अफरोज हो रहे हैं। तशरीफ रखिए। क्या हम जान सकते हैं कि आप इस तरह बैठ क्यों गए हैं? जहां पर कल ही तो आपको अर्जी दी थी कि पूरा पूरा दिन खड़े रहकर हमारे पैरों में दर्द होने लगता है। जहां पर हमें दीवाने खास की कार्यवाही में बैठने की इजाजत दीजिए ना। हमने आपकी अर्जी का जवाब दिया? नहीं। तो जाहिर सी बात है, हमने आपकी अर्जी नामंजूर कर दी। क्यों नहीं किए? नहीं, मतलब जहां पर हमारे कहने का मतलब था कि इस तरह से खड़े रहेंगे तो हमारे पैर जवाब देने लग जाएंगे। इन्हें देखिए, इन्हें, वकार खान। कुछ दिनों से हमारा पंखा जलने वाला बीमार है, तो ये आए हैं वकार खान पंखा जलने के लिए। और 10 दिनों से खड़े भी हैं, पंखा भी जलते हैं और बखूबी बहुत अच्छा पंखा जलते हैं। इनसे सीखिए आप कुछ। शुक्रिया जी आपना, शुक्रिया। खड़े होइए आप, खड़े होइए। दीवाने खास की कार्रवाई शुरू की जाए। जापना, गुप्तचर एक जरूरी सूचना लेकर आया। गुप्तचर को पेश किया जाए। अरे आदाब जापना। आदाब, क्या खबर लाए हो हैदर? जापना, आपका जानी दुश्मन बादशाह सलारुद्दीन बहुत जल्द आपकी मुगल सल्तनत पर हमला करने वाला है, और इस बार उसने बहुत बड़ी फौज तैयार की है। जापना 5 लाख सैनिक भर्ती किए हैं, और उसका इरादा पूरी मुगल सल्तनत को तबाह करने का है। आप जा सकते हैं। जापना, हमारा ये कहना है कि सलारुद्दीन से सुलह कर लेनी चाहिए ताकि जंग को टाला जा सके, क्यों मंत्रीगण? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं जापना, अगर हम ऐसा करेंगे तो पूरी दुनिया में यह संदेशा फैल जाएगा कि हम डर गए। ऐसा करने से दूसरे राज्यों का हौसला बढ़ जाएगा और फिर कोई भी हम पे हमला करने से पहले सोचेगा नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बीरबल। अफसोस तो हमें इन लोगों की बातों का हो रहा है। अरे कहां गई आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपका जज्बा? कोई भी जंग फौज से नहीं जीती जाती। उनकी फौज बड़ी है तो क्या हुआ, जंग जीती जाती है हौसले से, जज्बे से, हिम्मत से। आप पूरी रियासत में ऐलान करवा दीजिए, हम अपनी फौज में नए लोग भर्ती करना चाहते हैं, जितने ज्यादा हो उतने बेहतर। हम एक बहुत बड़ी फौज तैयार करेंगे, उनसे भी बड़ी, और उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि कोई भी राजा हमसे जंग करने से पहले 100 बार सोचेगा। और वजीर आजम, इस काम में अगर हमें आपका हौसला कम दिखाई दिया तो हम आपको आपके ओहदे से खारिज कर देंगे। जी जापना, जैसा हुक्म आपका जापना। तख लिया। बलदेव जी। बलदेव जी, क्या बात है, ना कोई प्रणाम ना सलाम, परेशान है? जहां पना, हमें अपने पद से खारिज कर देंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? बीरबल जी, हमारे इतने ऐलान करने के बावजूद रियासत के लोग फौज में भर्ती होने के लिए आगे नहीं आ रहे, बल्कि जो फौज में हैं वो जंग के डर से या तो फौज छोड़ रहे हैं या छुट्टियां लेके घर जा रहे हैं। पर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए कि उन लोगों को लगता है कि सलारुद्दीन से जंग हुई तो उनकी जान जाएगी, गलती उनकी है। लेकिन जहां पना को लगेगा कि हमारे अंदर हौसला नहीं है, हमारा पद तो जाना तय ही है। बलदेव जी, इस तरह हौसला नहीं हारते, याद रखिए हर मुश्किल का हल। अकबर बीरबल, हमें पता है, ये नहीं कह रहे थे हम कह रहे थे कि हर मुश्किल का हल होता है इस दुनिया में, बस सोचने की जरूरत है। वैसे
एक तरीका है हमारे पास। तो बताइए बलदेव जी, आप राज्य में एक चित्रकला प्रतियोगिता करवाई। चित्रकला प्रतियोगिता? बीरबल जी आप होश में तो हैं, क्या कह रहे हैं? बलदेव जी आपको अपना पद बचाना है या नहीं? हाँ, जैसा हम कहते हैं वैसा करते जाइए। इस प्रतियोगिता से लोगों में हिम्मत आएगी और उनका हौसला बढ़ेगा। आप जहां पना से अनुमति लीजिए और करवाइए एक चित्रकला प्रतियोगिता। चलिए प्रतियोगिता शुरू करते हैं। रुकिए, आप कौन है? हमारा नाम सुधाकर है और हम भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं। शाही खून है हम आपके जज्बे की कद्र करते हैं सुधाकर जी, लेकिन आप हमें माफ कीजिएगा, चित्रकारी करने के लिए हाथों की जरूरत होती है, आप इसमें हिस्सा कैसे ले सकते हैं? क्यों हिस्सा नहीं ले सकते शहजादे सलीम? अगर ये इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हर्ज ही क्या है? इसमें हर्ज है बीरबल जी, इंसान वही काम कर सकता है जो उनके लिए मुमकिन है, इनके लिए तो चित्रकला नामुमकिन है। बलदेव जी, कोई भी काम करने से पहले ये कैसे पता चलेगा कि वो काम करना मुमकिन है या नहीं? सुधाकर जी आपका स्वागत, आप बिल्कुल इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। शुक्रिया राजा बीरबल। चलिए शुरू करते हैं, और याद रखिए जो भी सबसे बढ़िया चित्र बनाएगा उसे बड़े से बड़ा इनाम दिया जाएगा। शुरू कीजिए। चलिए चलिए, आप सबका समय समाप्त हुआ, दिखाइए हमें क्या चित्र बनाया है आप सबने। शहजादे सलीम, वासु, दिखाइए 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 जल्दी। माफ कीजिएगा, सुधाकर जी वाह, कमाल के चित्रकार हैं आप, क्या चित्र बनाया आपने, अद्भुत। एक बिना पैर का आदमी बैसाखी के सहारे ऊंची पहाड़ पर चढ़ गया, वाह आप सचमुच ही इनाम के हकदार हैं। राजा बीरबल, अगर इंसान में हौसला और हिम्मत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सुधाकर जी, सलारुद्दीन की पूरी सेना आपके हिम्मत और हौसले के सामने कुछ भी नहीं। शाही खून है हम बीरबल जी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम थक जाएंगे, टूट जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम आखिर तक लड़ेंगे। हम भी लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, आज आपकी वजह से हमारी आवाम में एक नया हौसला आया, एक नई हिम्मत आई। आपको देखकर उन्हें भी लगता है कि वो भी कुछ भी कर सकते हैं, सलारुद्दीन के साथ जंग भी जीत सकते हैं। आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए। शुक्रिया जहांपनाह, मुझे एक और कला आती है, अगर आपके किसी काम आ सके तो। कौन सी कला? मैं किसी भी व्यक्ति का चित्र बनाकर उसे उसका भविष्य दिखा सकता हूँ। सुधाकर, हम आपकी कला की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन माफी चाहेंगे, हम इन चीजों में बिल्कुल भी नहीं मानते। मानना भी नहीं चाहिए जापना, ये सब भविष्य देखना दिखाना ये सब काल्पनिक बात है। बीरबल जी, सच सिर्फ वो नहीं होता जो आप मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है बलदेव, आपको जो मानना है आप मानिए,
फौज में शामिल होने के लिए जो नई तोपें आई हैं, हमें उनका मुआयना करने जाना है, तो हम चलते हैं। जाबना, हम भी आपके साथ चलते हैं। यहाँ रहे तो भूत और भविष्य के चक्कर में हमें चक्कर आने लगेंगे। चलिए चलिए, तकलिया। अरे हमें जाने दीजिए ना। सुधाकर जी, अभी जो आपने कहा अगर वो सच है तो सबसे पहले आप हमारा उज्जवल भविष्य दिखाने वाली हमारी तस्वीर बनाइए। हमारा भी बनाइएगा। मुझे पता है सुधाकर जी सबसे पहले मेरा भविष्य बताएंगे, है ना? हमारा, मेरा, हमारा। अरे अरे तुम लोग चुप रहो, हमारा बताइए। मामूजान हमारा शहजादे। बस बस बस, हमने सब सुन लिया है। चलिए जल्दी जल्दी अपनी तस्वीरें बनवा लीजिए, उसके बाद सुधाकर हमारी तस्वीर बनाएंगे। चित्र के हिसाब से तो मैं भविष्य में अंधा हो जाऊंगा, लेकिन कैसे? अरे लाल मिर्ची, अरे मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वैसे सुधाकर ने हमारा चित्र तो बिल्कुल हमारी तरह शाही बनाया है, फिर उसने इस तस्वीर में हमारा मुंह काला क्यों किया है? हमारे साथ ऐसा क्या होने वाला है जिससे हमारा मुंह काला हो जाएगा? शहजादे सलीम, खाना लग गया है। तुम चलो, हम आते हैं। आपके मुंह पे तो चींटी है। क्या? अरे हटाओ हटाओ, हमें चींटियों से बहुत डर लगता है। क्या गुस्ताखी है? क्या है? खाना पकाते समय कोयला गर्म कर रहा था, हाथ में काला लग गया, आपका तो मुंह ही काला हो गया। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। इसका मतलब सुधाकर के चित्र भविष्य बताते हैं। अच्छा, तो आज हम गिरने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं कि आज हम घोड़े पर बैठेंगे ही नहीं और सीढ़ियों पर भी नहीं चढ़ेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमें गिरना पड़े। रानी साहिबा, कपड़ों और गहनों को छोड़कर आज चित्रकला पर बड़ा प्यार आ रहा है। जहां पना, ये कोई साधारण चित्र नहीं है। रानी साहिबा, साधारण शब्द आपके लिए बना ही नहीं है। जरूर इस चित्र में हीरे और मोती जड़े होंगे, तब इतना प्यार दिखा रही हैं आप। जहां पना, ये चित्र सुधाकर ने बनाया है जिसमें हमारा भविष्य दिखाया है। रानी साहिबा, आप भी इन बातों में विश्वास करती हैं? अरे कोई चित्र किसी का भविष्य कैसे दिखा सकता है? छोड़िए। नहीं जहापना, नहीं। सलीम का, वासु का, भाईसा का चित्र बनाया था सुधाकर ने, और सबने अपना भविष्य देखा और वही हुआ। अब तो सोच रहे कि इस चित्र में जो दिखाया है वो सच हो गया तो? रानी साहिबा, आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे आपके हाथों किसी का कत्ल होने वाला हो। हाँ जहापना, हाँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या बना है। हम तो यूं खड़े थे, यूं, लेकिन ऐसे बना दिया उसने। हम इसमें किसी का गला दबा रहे, किसी को मार रहे। रानी साहिबा, आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकती हैं? नहीं, अपनी पूरी जिंदगी में आपने कभी किसी का गला दबाया है? नहीं नहीं, नहीं। तो फिर कैसे रानी साहिबा, क्या कर रही हैं आप?
रानी साहब आप मोम की बनी हुई हैं, मोम का दिल है आपका, आप प्यार का सागर है, मोहब्बत का समंदर है आप। वाह वाह रानी साहब, ये काम आपसे हो ही नहीं सकता, भूल जाइए ये बेकार की बातें, ये चित्रकला से कोई भविष्य का पता नहीं चलता। दीजिए यहाँ पर दीजिए। अब आप सो जाइए। क्या करेंगे आप? सो जाएंगी बस, चुपचाप। जी हाँ, सो जाइए, कोई किसी का गला नहीं दबा रहा। सो जाऊं क्या? हाँ हाँ। रानी साहिबा क्या कर रही हैं आप? छोड़िए रानी साहिबा, छोड़िए। राक्षस हम नहीं छोड़ेंगे। रानी साहब आप ये क्या कर रही है? छोड़िए हमें, आज हम नहीं छोड़ेंगे। राक्षस कहीं का राक्षस, हमें राक्षस कह रही हैं आप? अरे अपने आप को देखिए, खुद किसी राक्षसनी से कम नहीं लग रही हैं। रानी साहब आप हमें मारने की कोशिश कर क्यों रही हैं? अगर हमसे आपका मन भर गया है तो हमें कह दीजिए, हम चले जाएंगे। मारने की जान लेने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं जहांपनाह, हमें माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, हम तो सपना देख रहे थे। सपने में एक राक्षस हम पे वार कर रहा था। हमारी जान बचाने के लिए हमने हमने उसका गला दबा दिया। यानी कि सुधाकर की बनाई हुई तस्वीरें सचमुच में भविष्य दिखाती हैं। कहा था ना जहां पर ना। जापना, कल रात के हादसे के बावजूद हमें इस बात पर यकीन नहीं है कि कोई भी चित्र किसी का भविष्य कैसे बता सकता। तो कब यकीन होता बिरबल जी? जब हम जहां पना की जान ले लेते तब। कैसी बातें कर रहे हैं आप बिरबल जी? क्या वाकई आप इतने समझदार हैं जितना लोग आपको समझते हैं? हमें तो ऐसा नहीं लग रहा। जीजा हुजूर और बहना के साथ जो कुछ भी हुआ उससे तो कम अक्ल वालों को भी यकीन हो जाएगा। वजीर आजम ठीक कह रहे हैं बीरबल, हमें पहले यकीन नहीं था लेकिन अब हमें पूरा यकीन हो गया है कि सुधाकर के बनाए हुए चित्र से भविष्य दिखाई देता है। और अब हम चाहते हैं कि सुधाकर हमारा एक चित्र बनाए। सुधाकर हमारा एक चित्र बनाइए, हम भी अपना भविष्य देखना चाहते हैं, बनाइए चित्र। जो हुकुम जहां पना। चलिए शुरू कीजिए। बनाइए। बनाइए बनाइए। बना कि नहीं? बन रहा है जहां अपना। रानी साहिबा हमें मच्छर काट रहा है। अरे कहाँ है मच्छर? हमारे पेट पे, पेट पे। बनाइए बनाइए, आप बनाइए।
अरे भाई बना कि नहीं सुधाकर? हाँ जहाँ बना, बन गया। आप अपना भविष्य देख सकते हैं। आइए आइए देखते हैं कि हमारा भविष्य कितना उज्जवल है। हाँ हाँ चलिए सब लोग चलिए। आइए कोई हमें खंजर घोप कर मारने वाला है। अरे जापना ये इत्तेफाक, ऐसे चित्र बनाकर कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता। हमें यकीन है कि आपको कुछ नहीं होगा। सुन लिया आपने जापना? जिस बिरबल की आप रात दिन बस तारीफ करते रहते हो, उस बिरबल को तो आपकी परवाह ही नहीं है।